9 मई 1980, कफलटा, कुमाऊं का एक छोटा सा गांव, जहां जाति दम की वजह से 14 दलितों की नृशंस हत्या कर दी गई थी। कुछ को एक ही घर में जिंदा जलाकर मार डाला गया था तो कुछ को पीट पीट कर। वजह, शादी वाले दिन दूल्हा डोली में बैठकर आया। पर्वत श्रृंखलाओं के बीच प्रकृति का साथ, चारों तरफ शांत माहौल, सिर्फ झरने की कलकल या चिड़ियों की मधुर चहचहाट, सूरज के साथ उगता एक खूबसूरत सा दिन, या नारंगी चटक रंग में ढलती हुई एक शाम, रात के सन्नाटे में पहाड़ियों की तरफ जैसे ढेर सारे जुगनू, जिन्हें भी मेरी तरह पहाड़ों से प्यार है ना, वो इस बात को बहुत बेहतर समझ सकेंगे। पर क्या इतनी सुंदर जगह के बीच भी किसी का दम घुट सकता है? दीवान का, बंधुआ हलवाई के बेटे दीवान का, मल्टीनेशनल कंपनी के इनोवेटिव हेड दीवान का। हेलो दोस्तों, अंतर द बुक शेल्फ में मैं अर्चना। किसी भी लेखक के शीर्षक चयन से ही आप उसके लेखन की गहराई का अंदाज लगा सकते हैं। देश के प्रसिद्ध कथाकार नवीन जोशी के उपन्यास का उत्सुककर्ता शीर्षक टिकटशुदा रुक्का। टिकटशुदा रुक्का यानी कि स्टैंप लगा हुआ एग्रीमेंट पेपर, पर किस बात का? 1980 से 90 के दशक के बीच राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों से ढलता हुआ उत्तराखंडी समाज की जो संरचना थी उसकी सच्चाइयों से रूबरू कराती है ये उपन्यास। ये उपन्यास उनके पहले उपन्यास दावनल के 14 साल के बाद लिखा गया, लेकिन उस उपन्यास में उत्तराखंडी समाज के प्रति जो कसक थी उसकी झलक इस उपन्यास में भी मिलती है। महात्मा गांधी ने जब दलितों को एक सम्मानजनक नाम दिया था हरिजन, तो उत्तराखंडी समाज ने इसे और भी गरिमापूर्ण नाम दिया शिल्पकार यानी कि सर्जक। लेकिन वर्णवादी समाज व्यवस्था के बीच ये सब एक नाम भर रह गया। जातीय भेदभाव के अनुपात में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया। हलवाहा, हलिया, दूसरों के खेत जोतने वाला, एक तरह का बंधुआ मजदूर। दौलतराम हालिया का बेटा दीवान राम बचपन से ही बड़ी खामोशी के साथ उस कड़वाहट को पीता आ रहा था जो कदम कदम पर उसे विद्रोह करने के लिए उकसाती थी। उसकी माँ की बेबस चीखें जो अपने बच्चे से दूर रहने के लिए मजबूर थी, उसे प्यार करने वाली बहन की असमय मौत, रुके पर लिखी हुई उसके पिता और पूरे परिवार की बेबसी, स्कूल में होने वाला उससे बुरा व्यवहार, जहां पे ह से हलिया, ल से लात खाएगा क्या, यही उसे पढ़ना था। गरीबी और अपमान से जूझते दीवान की सोच को और दुनिया को बदलने में सुंदर मास्टर साहब का बड़ा हाथ होता है। गांव से कांडा और कांडा से लखनऊ, वो एक मानसिक द्वंद के साथ जरूर जाता है, लेकिन निरंतर सफलताओं की ओर। वक्त के साथ सारी कड़वाहटें धुंधली पड़ने लगती हैं। अपनी पत्नी और बेटी के साथ एक प्यार भरा जीवन जीते हुए वो अपनी कैरियर के हाइट्स पर भी पहुंच जाता है। और एक दिन कंपनी के नए लॉन्च के वक्त जब वो लीक प्रूफ एडल्ट डायपर का डेमो दे रहा होता है और अपना मानसिक संतुलन खो देता है, और कहानी यहीं से शुरू होती है। हॉस्पिटल में दीवान की बेहोशी और शिवानी के छटपटाहट के बीच पढ़ने वाले को भी एक अलग सी बेचैनी होने लगती है सब कुछ जानने की। और किसी भी लेखन के सार्थकता दरअसल यही होती है कि वो पूरे घटनाक्रम को अपने आसपास जीवन सा महसूस करा दे। दरअसल ये उपन्यास एक द्वंद का उपन्यास है जो अलग अलग आयामों में बटा हुआ है। वो जो जाति व्यवस्था की उस तकलीफ से जूझता है जो संवैधानिक होने के बावजूद आजादी के इतने सालों के बाद भी नहीं बदल पाती। द्वंद है दीवान का अपने दोस्तों के प्रति, देवराज और सुरेश पासी, जो कि काशीराम की बहुजन पार्टी में शामिल होकर एक मुखर आवाज बनते हैं जनता की, दलित समाज की, वो आवाज जो दीवान होना चाहता है लेकिन हो नहीं पाता। कॉरपोरेट जगत की वो कड़वी अंकगणित, जहां पर आप या तो सिर्फ नंबर वन हो सकते हैं या फिर जीरो। इस उपन्यास में कहीं पर भी उत्तराखंड की कोई खूबसूरती या शांति नहीं है, है तो भरपूर बेचैनी
जो दीवान के साथ साथ अपने भी गहरे तल में उतर जाती है। कथा शिल्प रोचकता और जीवंतता से ये एक संपूर्ण उपन्यास है, पर निजी तौर पर इसमें ऐसे अंत की मुझे अपेक्षा नहीं थी। शायद अंत स्वाभाविक तो है, पर बड़ी कोरी भावुकता सा या बहुत आदर्शवादी, एक भविष्य की ओर बड़ा फैसला जिसकी कोई भी प्लानिंग नहीं है, क्योंकि कहीं कुछ भी बेहतर करने या किसी बड़े बदलाव के लिए खुद उस पीड़ा से गुजरना जरूरी नहीं है। दीवान के ससुर काशीराम अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा में बहुत बढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी वो अपने लोगों के लिए कुछ नहीं करते, जबकि उनको वो जाति दर्श हमेशा सालता रहता है। उनका बहुत प्रैक्टिकल होना और दीवान का बहुत अधिक भावुक होना, उसके बीच की जो कड़ी होती है या उसके बीच का जो उदाहरण है, वो मुझे इस उपन्यास में बहुत मिसिंग लगा। सरुली का अंत भी मुझे बहुत दुखद लगता है, क्योंकि अपने पति को छोड़कर आई सरुली को दौलत राम पूरे समाज के साथ लड़कर सम्मान के साथ अपनाता है, पूरे जीवन पर्यंत उसका साथ निभाता है, प्यार देता है, लेकिन जब सरुली को कोढ़ हो जाता है और समाज उसे बहिष्कृत करके खंडहर में छोड़ देता है, तो दौलत राम भी उसे छोड़ देता है। क्यों दौलत राम उससे मिलने क्यों नहीं गया? नजर से दूर होते ही क्या एक पुरुष के लिए एक स्त्री का अस्तित्व बेमानी हो जाता है? ठीक इसी तरह से जब दीवान शिवानी को अपना फैसला सुनाता है, तो उसे बहुत ज्यादा प्यार करने वाली शिवानी बहुत खुशी से उसका उसके फैसले में साथ देती है। पर क्या प्यार को निभाने की जिम्मेदारी में एक स्त्री का की पसंद का कोई महत्व नहीं रह जाता? इस निर्णय में क्या उसकी इच्छा या अनिच्छा को शामिल होना आवश्यक नहीं था? पर यह उपन्यास से उपजे मेरे मन के सवाल हैं। उपन्यास की उत्कृष्टता से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। अगर आप सामाजिक सच के विभिन्न पहलुओं को देखना और जीना पसंद करते हैं, कुछ अच्छा पढ़ना पसंद करते हैं, तो यह उपन्यास आपके कलेक्शन में होना ही चाहिए। यह उपन्यास आपको नवारण प्रकाशन से भी मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। जल्दी फिर मिलते हैं। गुड बाय दोस्तों।